हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने वीडियो रखा था कि आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए उसमें किस तरह से मदद कर सकता हूँ, कौन सी वीडियोस मैं आपको पहले दूँ। तो उसमें लगभग 90% लोगों ने मुझसे कमेंट के जरिए ही कहा कि अगर मैं जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस की वीडियोस पहले दूं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज नई स्टार्ट की है जनरल नॉलेज के ऊपर। इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के दोनों ही तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा, थोड़ा डीपली डिस्कस करूँगा, जिससे आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकें। तो ये पार्ट वन होगा। पार्ट वन में मैंने कुछ इसमें से क्वेश्चन लिए हैं वेबसाइट studysmart.guru से। तो ये आपकी जो वेबसाइट है उसी से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे पार्ट मैंने लगभग 10 पार्ट उस पर प्रोवाइड किए हुए हैं जनरल नॉलेज के, जिनकी संख्या भी आगे और मैं बढ़ा दूंगा। तो वहाँ से जा करके आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट वन है इस सीरीज का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप भी इस तरह की वीडियोस से लाभान्वित होते रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कि इंडिया की जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम माइन है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया में यूरेनियम माइन की संख्या है वो दो है। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे पहली है वो लोकेटेड है जादूगुड़ा में। जादूगुड़ा कहाँ पे पड़ता है? जादूगुड़ा पड़ता है झारखंड के सिंहभूमि में। सिंहभूमि का नाम आपने सुना होगा कई बार, ये झारखंड में है। तो झारखंड के सिंहभूमि में है जादूगुड़ा, जहाँ पे ये यूरेनियम माइन स्थित है। ये भारत की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और पहली यूरेनियम माइन है। दूसरी यूरेनियम माइन कौन सी है? वो यूरेनियम माइन आपकी है आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है टुम्मालापल्ले यूरेनियम माइन। ठीक है, टुम्मा ये मा है, एम है, टुम्मालापल्ले यूरेनियम माइन, ये आपकी माइन है आंध्र प्रदेश में। ये दूसरी यूरेनियम माइन है। तो दो यूरेनियम माइन इंडिया में हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिया। कई बार क्वेश्चन अगर इस तरीके से भी आ जाए कि दूसरी कौन सी माइन है इस माइन को छोड़ करके, तो आप आसानी से बता सकें। ठीक है, यहाँ पे एल केवल दो ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द चीफ एडवोकेट ऑफ फासिज्म वाज। फासिज्म को हिंदी में हम क्या कहते हैं? फांसीवाद। कि फांसीवाद का अगुआ कौन था, या फिर कह सकते हैं फांसीवाद किसने चलाया था, या फांसीवाद का चीफ एडवोकेट कौन था? तो वो था मुसोलिनी। कई लोग एडोल्फ हिटलर से कंफ्यूज हो जाते हैं। एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद का वो मतलब समर्थक था, एडोल्फ हिटलर जिसने नाजीवाद चलाया था, या फिर कह सकते हैं नाजीवाद का प्रमुख समर्थक था एडोल्फ हिटलर। ठीक है, इंग्लिश में उसे नाजिज्म कहेंगे। और इसी तरह फांसीवाद को फासिज्म कहते हैं, जिसका समर्थक या चीफ एडवोकेट मुसोलिनी था। मुसोलिनी इटली का तानाशाह था एडोल्फ हिटलर की तरह। जैसे एडोल्फ हिटलर जर्मनी का था, वैसे ही इटली का तानाशाह मुसोलिनी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, कि राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो उसका सही आंसर क्या है? देखिए, 25 ईयर है, 21 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर। सही आंसर है सी, 30 ईयर्स। 30 साल के कम से कम आप होने चाहिए अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं 25 ईयर्स की, तो ये किसके लिए है? लोकसभा के लिए है। अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। मतलब सांसद अगर आपको बनना है या फिर चुनाव लड़ना है तो 25 साल की उम्र कम से कम आपकी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बात करूँ मैं 35 ईयर्स की, तो 35 ईयर्स किसकी एज है? तो 35 ईयर्स एज होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए। अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 35 साल की उम्र का कम से कम आपको होना चाहिए। ओके, इसमें और कई सारे क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा सकते हैं। जैसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है कि वो राज्यसभा का ही मेंबर होता है, और आपको पता है कि वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो उसकी एज कितनी होगी? जो राज्यसभा के लिए एलिजिबल होंगे मेंबर उसी के बराबर, मतलब 30 साल। कई लोग सोचते हैं प्रेसिडेंट 35 साल है तो वाइस प्रेसिडेंट भी 35 साल का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की अगर एज पूछी जाए कि उसके लिए आपको कितने साल का होना चाहिए, तो जैसा आपको पता है कि कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा से आता है, तो वो आपका कितने साल का होना चाहिए?
कम से कम 25 साल की एज का तो होना चाहिए। कई केसेस में ऐसा होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैं बात करूं पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो आपके राज्यसभा के मेंबर थे, तो उस केस में तो उनकी एज 30 साल होनी चाहिए थी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की न्यूनतम एज की बात करूँ, न्यूनतम एज की बात कर रहा हूँ, तो वो कितनी होनी चाहिए, 25 साल। मतलब इससे नीचे की एज का तो नहीं होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर उसे होना चाहिए, या फिर वो राज्यसभा से भी नियुक्त हो सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन आप पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं लेता हूँ, लिखा हुआ है महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम, कि सविनय ने अवज्ञा जिसको हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस, इसकी जो प्रेरणा है वो महात्मा गांधी को किससे मिली थी। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस की प्रेरणा है, ये महात्मा गांधी को थॉरियू से मिली थी। थॉरियू कौन थे, इनका पूरा नाम था हेनरी डेविड थॉरियू, ठीक है। ये अमेरिका के नागरिक थे, नागरिक कहूँ या फिर कहूँ ये अमेरिका के निबंधकार थे। हेनरी डेविड थॉरियू अमेरिका के एक निबंधकार थे, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस नाम से एक बहुत ही प्रचलित निबंध लिखा था, और इसी निबंध से बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रेरणा ली थी, जिसमें महात्मा गांधी भी सम्मिलित थे, उसमें टॉल्स्टॉय भी सम्मिलित थे, और अमेरिका के एक बहुत लोकप्रिय नेता जिनको मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है, वो भी इसी सिविल डिसोबीडियंस से ही प्रेरणा लिए थे। तो हेनरी डेविड थॉरियू अपने आप में एक निबंधकार थे, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया अपने निबंधों के द्वारा, और इनकी पर्सनालिटी थोड़ी दूसरे किस्म की थी। मतलब ये टैक्स कभी नहीं देते थे, और इन्होंने साफ साफ कह रखा था मैं टैक्स नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लो। सरकार से सीधे ये चुनौती लेते थे, जंगलों में निवास करते थे, मतलब जंगल के बीच में घर बना के रहते थे, दुनियादारी से बहुत दूर बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। तो हेनरी डेविड थॉरियू वे व्यक्ति थे जिससे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, टॉल्स्टॉय, इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस को लेकर के प्रेरणा ली। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखा हुआ है द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज। आपको पता है कि जैसे अभी प्रशासनिक जो परीक्षाएं होती हैं, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ये जब आज़ादी से पहले इसको इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। तो ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज जब शुरुआत हुई थी, तो उसमें पहला भारतीय वो कौन था जिसने इस सर्विस में क्रैक किया था इसको, या फिर कह लीजिए इसमें सेलेक्ट हुआ था, तो वो पहला भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने इस सर्विस में सेलेक्ट होने का गौरव प्राप्त किया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे वो। और वैसे तो डेट वगैरह पूछी नहीं जाती है कि कब कौन से सन में, फिर भी अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं जून 1863। जून भी छोड़ दीजिए, 1863 केवल याद रखिए कि इन्होंने इस सर्विस के लिए इनको सिलेक्शन मिला था, ठीक है। और सिलेक्ट होने के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनकी पहली पोस्टिंग की गई थी। तो अगर ऐसे पूछा जाएगा इसके बाद इनको कहाँ पर मिला था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र भी सम्मिलित था, गुजरात भी सम्मिलित था उसमें, कुछ मतलब गुजरात भी था और भी कुछ हिस्से सम्मिलित थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, और इससे रिलेटेड जो कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके आंसर भी आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये देख क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है वन फीचर इज कॉमन टू द फॉलोइंग बॉडीज, फाइंड आउट। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ऑफिस ऑफ कैग। कि ये सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और ऑफिस ऑफ कैग में वो क्या ऐसा फीचर है जो सब में कॉमन है, ये आपको बताना है। दे आर एडवाइजरी बॉडीज नहीं, ये सारी की सारी एडवाइजरी बॉडीज नहीं है। कुछ आपकी एडवाइजरी बॉडीज हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने का काम कर सकता है, लेकिन सारी की सारी एडवाइजरी बॉडीज नहीं है। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जी नहीं। दे आर कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर, जी नहीं। लेजिस्लेचर के जरिए कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जी हाँ, डी वाला ऑप्शन है इसका सही है, कि सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, मतलब सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको किसी ना किसी एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया है, तो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये जो फीचर है सभी में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेम्बर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाई असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम कहते हैं हिंदी में विधान परिषद, विधान परिषद आपको पता है क्या होता है। जैसे हम संसद की अगर बात करें, संसद में दो सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, ठीक है। वैसे ही कुछ राज्यों में आपकी विधानसभा तो होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा, वैसे ही विधानसभा तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक विधान परिषद का भी गठन किया जाता है। सारे राज्यों में नहीं है, भारत में कुछ राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर हो गया, बिहार हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया,
कर्नाटका हो गया, ये वो राज्य हैं जहाँ पे इस समय विधान परिषद की भी व्यवस्था है। तो कह रहे कि विधान परिषद है उसमें जो उसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, उसके अपने अलग अलग चरण हैं। तो उसमें कह रहे कि कितने ऐसे लोग हैं जो असेंबली के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मतलब जिनको जो वोट होता है वो विधानसभा के लोग देते हैं, ऐसा क्या परिषद है या फिर ऐसा क्या फ्रैक्शन है। तो उसका सही आंसर क्या है, बी वाला, 1/3 ऑफ द मेंबर्स, कि एक तिहाई जो मेंबर्स होते हैं वो तो असेंबली के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं या फिर उनको वोट दे करके उसमें लाया जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं जैसे 1/6 ऑफ द मेंबर, तो 1/6 हिस्सा जो होता है वो गवर्नर या फिर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और 1/12 हिस्सा जैसे है, तो इसमें भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं कि 1/12 हिस्सा कुछ ऐसा होता है, 1/12 हिस्सा कि वो जो ग्रेजुएट्स हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 हिस्सा ऐसा भी होता है कि जो सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं जिनको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होता है उनके द्वारा वोट दे करके ये चुने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा, 1/6 गवर्नर के द्वारा, 1/3 असेंबली के द्वारा, 1/12 तो ग्रेजुएट्स के द्वारा या फिर टीचर्स जो होते हैं कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो उनके द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ और, जैसे 2010 की मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में विधान परिषद के लिए बात की गई थी, लेकिन वो इस समय जो आपका प्रोसेस है वो होल्ड पे है लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से, तो अभी तमिलनाडु इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाई, ये जो बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो काफ़ी फेमस बुक है ये, काफ़ी जानी मानी बुक है, इसको लिखा था अरुंधति रॉय ने, अरुंधति रॉय के द्वारा ये बुक लिखी गई थी 1996 में, 1996 में, और बहुत ज़्यादा ये बुक फेमस हुई थी नेशनल इंटरनेशनल लेवल दोनों पे ही। और 1997 में, 1997 में इसी बुक के लिए अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज़ भी दिया गया था। आपको पता होगा कि बुकर प्राइज़ ये जो लेखक होते हैं या फिर जो पत्रकार वगैरह होते हैं इन लोगों को दिया जाने वाला बहुत बड़ा सम्मान होता है, तो बुकर प्राइज भी अरुंधति रॉय को 1997 में इस बुक के लिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही मिला था। और अरुंधति रॉय की उसके बाद तो कोई बुक और वगैरह आई नहीं थी। अभी 2017 में अरुंधति रॉय की एक और बुक आई हुई है, तो उस बुक का नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, तो ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई नई बुक है 2017 में जो प्रकाशित हुई है। अभी इस पर कोई पुरस्कार वगैरह कुछ ऐसा नहीं मिला है, ये बस आपको एक अपडेट दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भारत में किस राज्य को कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं, गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश, जी हाँ सी वाला ऑप्शन इसका सही, कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भारत के लगभग 90% टाइगर मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम इन इंडिया इज सपोर्टेड बाई, कि इसको शॉर्ट में कई जगह पे DPEP भी कहा जाता है, द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। कह रहे हैं कि ये किसके द्वारा सपोर्ट किया गया है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो कौन सी इंटरनेशनल बॉडी इसको सपोर्ट कर रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं, यूनेस्को नहीं, जापानीज गवर्नमेंट नहीं। अब आप कहेंगे ये तो चारों ही गलत हो गए, जी हाँ, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से चारों ही ऑप्शन आपके सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है यूनिसेफ। अगर इसमें देखा जाए तो यूनिसेफ इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है या फिर सपोर्ट कर रहा है। इसमें यूनेस्को कई जगह पे आंसर सही था और कई जगह पे वर्ल्ड बैंक आंसर दिया गया था, जबकि दोनों ही आंसर आपके गलत हैं, यूनिसेफ इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यूनिसेफ ने इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया था, या फिर अगर और किसी देश का नाम आए जैसे जैपनीज गवर्नमेंट है, अगर किसी गवर्नमेंट का नाम आएगा तो होगा नीदरलैंड की जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, सेंटर और राज्य के तो या स्टेट के तौर पे इसमें 85:15 का ये रेशियो है स्पॉन्सरशिप का, कि इस तरह से ये स्पॉन्सर की जा रही है स्कीम। और इंटरनेशनल बॉडी जो है उसमें यूनिसेफ और नीदरलैंड की गवर्नमेंट है, और भी यूके की भी के भी कुछ संस्थाएं हैं जिसको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा यही है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता चल गया होगा। फिर यहाँ से कुछ और देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, जैसे अंत्योदय प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ, कि अंत्योदय जो प्रोग्राम है आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम क्या है, किस लिए है, वही पूछा जा रहा है कि ये किससे एसोसिएटेड है, लिबरलाइजेशन या फिर लिबरेशन ऑफ बाउंडेड लेबर्स नहीं, ब्रिंगिंग अप कल्चरल रेवोल्यूशन इंडिया नहीं, डिमांड्स ऑफ टेक्सटाइल लेबरर्स नहीं,
अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जी हाँ, गरीब से गरीब व्यक्ति या फिर कह दीजिए पुअरेस्ट ऑफ पुअर, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें बहुत ही कम दरों पे अनाज उपलब्ध कराया जाता है ताकि हर एक व्यक्ति तक अनाज पहुंच सके, कोई भी भूखा ना रह सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वॉज रिप्लेस्ड बाई, कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में गैट भी लिखा जाता है और आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, GATT, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, करें कि किसके द्वारा रिप्लेस किया गया। तो ये जो इसकी थोड़ा सा इस हिस्ट्री में बता दूं कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपका शुरुआत इसकी कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी या फिर कह लीजिए इफेक्ट में आया था 30 जून 1948 के बाद से ये आपका चल रहा था, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये 1 जनवरी 1995 में रिप्लेस कर दिया गया। किसके आने के बाद? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो जैसे यहाँ पे लिखा है वॉज रिप्लेस्ड बाय, तो आप कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर तारीख या सन पूछा जाए तो 1995 से ये आपका अस्तित्व में नहीं है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सारा कार्यभार देखता है इसके जो भी मामले थे उनको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पा या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट, कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो उसको लेकर ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज नोन टू देम, नहीं। काउ वॉज सेक्रेट टू देम, नहीं। पशुपति वॉज वेनरेटेड बाई देम, तो जी हाँ, आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा किसी भी क्लास में, तो उसमें आपको ये बात पता होगी कि वहाँ पे भगवान शिव की तरह की प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी या फिर चित्र प्राप्त हुए थे, जिससे ये पता चल रहा था कि वो लोग जो है पशुपतिनाथ की या फिर कह लीजिए पशुपति की पूजा करते थे। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन को लेकर के सी वाला जो फैक्ट है ये आपका करेक्ट है कि पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन वॉज, कि जैन लोगों के फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे। तो इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, कन्फ्यूज़ कैसे होते हैं, क्योंकि नाम काफ़ी इनके सिमिलर मिलते हैं तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऋषभ। ऋषभ जो है वो पहले तीर्थंकर थे जैनों के। कई बार इनका सिंबल भी पूछा जाता है, आपको पता है कि जैन में जितने भी तीर्थंकर थे उनका उनको एक सिंबल के जरिए भी दिखाया जाता है या फिर उनसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इनका सिंबल क्या था? तो इनका सिंबल था बुल। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, या तो पहला पूछा जाता है या फिर 24वें तीर्थंकर पूछा जाएगा कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे महावीर। ठीक है, महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। अगर इसमें ऑप्शन में एक महावीर होता तो कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते, क्योंकि दोनों ही बहुत फेमस नाम है, कई बार आपने पढ़ा होगा। और इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल ही पूछा जा सकता है, इनका सिंबल क्या था? तो वो था लॉयन। ठीक है, ऋषभ का बुल और महावीर का लॉयन सिंबल था, तो इससे भी इनको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेट सिल्क रूट टू इंडियंस वॉज ओपेंड बाई, कि जो ग्रेट सिल्क रूट है वो किसके, कौन से इंडियन के द्वारा ओपन किया गया था? तो वो कौन था? अशोका, हर्षा, कनिष्का, फाहियान, तो इसका सही ऑप्शन है कनिष्क। कनिष्क जो राजा थे उनके द्वारा ये जो सिल्क रूट है इंडियंस के लिए ओपन किया गया था। और पूछा जा सकता है ऐसे भी कि ये कौन से वंश से ताल्लुक़ रखते थे, तो कनिष्क थे कुषाण वंश के, या फिर कुषाण कहते हैं, कुषाण वंश के थे। और इनकी एक और खासियत क्या थी कि कनिष्क के ही समय में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो भी संपन्न हुई थी। ठीक है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा, कनिष्क को लेकर के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ यादवा रूलर्स वॉज, कि यादव जो रूलर्स थे उनकी कैपिटल क्या थी। तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा इनके बारे में तो इनको उस नाम से भी बुलाया जाता था, इनको कहा जाता था क्या? यादवास ऑफ देवगिरी। ठीक है, इस नाम से भी आपको देखने को मिलेगा, यादवास ऑफ देवगिरी। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि ये कहाँ, इनकी कैपिटल क्या होगी, अगर इस नाम से ही ये प्रसिद्ध थे तो इनकी कैपिटल होगी देवगिरी। देवगिरी ये इस समय महाराष्ट्र का हिस्सा है, और महाराष्ट्र में मतलब अब तो इसका नाम खैर बदल गया है, बदले हुए नाम से अब इसे दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो दौलताबाद अब इसका नया नाम है देवगिरी का। तो जो यादव रूलर्स थे वो दौलताबाद के ही आपके रूलर्स थे, और इनका जो क्षेत्र था उसमें महाराष्ट्र, मालवा और कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से भी थे इन जहाँ पर इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिलीजियस सेक्ट डिड द चोला किंग पेट्रोनाइज, की जो
चोल राजा हुआ करते थे वो कौन से रिलीजियस सेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कह सकते हैं समर्पित थे, या फिर किसको वो मानते थे? तो आपको अगर चोल राजाओं के बारे में थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वो पूछा जाता है बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया था? तो जो बृहदेश्वर टेम्पल था वो बनाया था राज राजा चोला प्रथम ने। राज राजा चोला प्रथम ने अगर बनाया था, और बृहदेश्वर टेम्पल किसको लेकर के है? तो वो शिव को लेकर के है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये लोग शैविज्म या फिर शैव संप्रदाय को के समर्थक थे, या फिर शैव संप्रदाय को मानते थे। ये भी याद रखिएगा, बृहदेश्वर टेम्पल जो मैंने आपको बताया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो थे राजा राजा प्रथम के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है शैविज्म, और इसको लेकर के जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ इज लोकेटेड एट, कि टावर ऑफ विक्ट्री जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा, अब तो पता ही होगा, चित्तौड़गढ़ में ये लोकेटेड है। किसने बनवाया था इसे? तो इसे बनवाया था राणा कुंभा ने। आपको पता होगा कि राणा कुंभा जो चित्तौड़ के ही आपके राजा थे, मेवाड़ किंग के नाम से जाने जाते थे। और किस लिए टावर बनवाया था राणा कुंभा ने? इन्होंने इस टावर को बनवाया था मालवा और गुजरात की सेनाओं पर एक साथ जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने इस स्तंभ को बनवाया था, जिसको जिन सेनाओं को लीड कर रहे थे महमूद खिलजी। ध्यान रखिएगा, महमूद खिलजी जिसको लीड कर रहे थे दोनों सेनाओं को, राणा कुंभा ने अकेले ही दोनों सेनाओं को एक साथ हराया था, इसलिए ये टावर ऑफ विक्ट्री बनवाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई। आपको पता होना चाहिए कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो वो था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909, 1909 का ये जो रिफॉर्म था, इसके द्वारा जो मुस्लिम थे उनके लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, अलग से कम्युनल इलेक्टोरेट बनाया गया था जिसका विरोध भी हुआ था। तो ये था आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, या फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो भी कहिए आपका सही है, 1909 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, कि जो पोस्टल वोटिंग होती है, पोस्टल वोटिंग आप समझते हैं ना, कि जहाँ पे जो वोटिंग होती है वो मतदान केंद्र में ना जा करके आप अपने घर पे बैठे, या फिर जहाँ पर भी आप हैं वहीं से जो बैलेट पेपर होता है उस पर जो आपका प्रतिनिधि जिसको आप वोट देना चाहते हैं वोट दे करके उसे आप बाई पोस्ट भेजते हैं, उसको पोस्टल वोटिंग कहा जाता है। ये ज़्यादातर जैसे हमारी सेना के जवान होते हैं जो बॉर्डर्स पे लगे होते हैं, जो वोट देने नहीं जा पाते हैं उनके लिए काम में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसेबल होते हैं, जो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, उनके लिए काम में लाया जाता है इस तरह की वोटिंग को। तो ये जो पोस्टल वोटिंग होती है इसको कुछ नाम से और जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको प्रॉक्सी वोटिंग भी कहा जाता है। कई जगह न्यूज़पेपर में आप प्रॉक्सी वोटिंग का नाम सुनते होंगे तो कंफ्यूज होते होंगे, तो आप समझिएगा कि प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब पोस्टल वोटिंग से है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ से करंट अफेयर से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो लिखा हुआ है, विच रेलवे जोन हैज़ बिकम द फर्स्ट रेल जोन इन इंडिया विथ 100% LED लाइटनिंग एट रेलवे स्टेशंस। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रेलवे जोन है इंडिया में जो कि पहला ऐसा रेल जोन बना है जिसमें जितने भी स्टेशंस हैं सब में 100% LED लाइटनिंग हो गई, मतलब उसमें एक भी स्टेशन ऐसा नहीं है जहाँ पर LED लाइटनिंग ना हो। तो वो जोन आपका कौन सा है? तो वो जोन है आपका, अब इसमें अगर आपको पता होगा आंसर तभी आप लगा पाएंगे, तुक्का वगैरह तो नहीं चलेगा, वो है साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसके तहत लगभग 733 मेरे ख्याल से स्टेशन है, उन सारे स्टेशंस को LED लाइटनिंग कर दी गई है सारे स्टेशंस में। तो ये आपका पहला जोन है साउथ सेंट्रल रेलवे। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सिकंदराबाद में इसका मुख्यालय पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अलमाती डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, की जो अलमाती डैम है सिचुएटेड कह लीजिए या फिर कह लीजिए बिल्ट, कौन से रिवर पे बना है या स्थित है? तो ये रिवर का नाम क्या है? तो ये रिवर का नाम है कृष्णा रिवर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में है ये? तो ये राज्य है कर्नाटका, कर्नाटका में ये डैम स्थित है अलमाती डैम जो कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे NGCD इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट इन इंडिया, कि भारत का नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब हर साल मनाया जाता है, कौन सी डेट को? ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि इसमें आप कोई तुक्का वगैरह नहीं लगा सकते, इसका सही ऑप्शन है
24 जनवरी को हर साल हम मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। किस लिए मनाया जाता है? ये जो हमारा सेक्स रेशियो है, मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या में जो अंतर बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए इसको मनाया जाता है। अवेयरनेस फैलाई जाए कि लड़की अगर आपके यहाँ हो रही है तो वो कोई गलत बात नहीं है, उसको भी आप सेलिब्रेट करिए। तो इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस तरह के दिनों की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज साइंड MOU विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री टू ऑगमेंट सर्विसेज इन रेलवे हॉस्पिटल। कि रेलवे हॉस्पिटल्स में सर्विसेज देने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने कौन सी और मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया हुआ है, तो वो मिनिस्ट्री का नाम क्या है? तो वो है आपकी, यहाँ पे देखिए चौथा और ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ जो है रेलवे मिनिस्ट्री ने ये MOU साइन किया है, जिसके तहत जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह का काम होगा वो सब रेलवे प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग है, जो भी टेक्निकल बातें हैं या फिर जो टेक्निकल डिटेलिंग है, वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरीके से ये काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा हुआ है, हु हैज़ वॉन द 2017 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एंड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड। कि 2017 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड किस पर्सन या फिर किस स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है? कौन सा ऑप्शन से होगा? लियोनल मेसी, विराट कोहली, युवराज सिंह, रॉजर फेडरर। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ वाला, रॉजर फेडरर को ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि उन्होंने लगभग 7 सालों के बाद वापसी की और अपना जो खिताब था उसको भी बरकरार रखा, जीता है। ठीक है, तो ये पुरस्कार रॉजर फेडरर को प्रदान किया गया है। तो ये थे क्वेश्चंस जीके के जो मैं आपके सामने लेकर के आया। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आया होगा, अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सारा कुछ याद भी रहेगा। कहीं भी अब क्वेश्चन आएगा, उससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इस तरह की जो वीडियोज देख सकें और उनका भी सिलेक्शन हो सके आपकी ही तरह। ठीक है, तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करके ये भी कह रहे थे कि क्वेश्चंस को हिंदी में लीजिए क्योंकि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, तो ये भी मैं देखता हूँ, अगर हो सकेगा तो मैं क्वेश्चंस को हिंदी में ही लेने का प्रयास करूँगा। बाकी आपका क्या कहना है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी भी जो प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।